नमस्कार, मैं धीरज कुमार, दिव्यांग जनों के सबसे लोकप्रिय चैनल डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब में आप सभी दिव्यांग जनों को फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो है दशहरा पूजा समाप्त हुआ और माता रानी का आशीर्वाद जो है सभी दिव्यांग जनों पर बना रहे, और लगातार सभी दिव्यांग जन चाह रहे थे कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा। इसी कड़ी में जो एक बेहतरीन और गुड न्यूज़ आप लोगों के बीच मैं अभी दे रहा हूं, जो कि आप सभी दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो मैं आपसे इच्छा करूंगा कि आप वीडियो को पहले पूरा देखें, जब बातें पूरी समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके रोजगार से संबंधित है। आए दिन हमारे चैनल पर दिव्यांगजन जो जुड़े हुए हैं लगातार हमसे पूछते हैं कि सर, रोजगार के अवसर प्रदान करें, क्या हम करें कि आगे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, रोजगार के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हर माध्यम से आप रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। चाहे वो उद्यमी योजना है जिसमें आप लोन लेकर कुछ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर यदि आप पढ़ रहे हैं, तो आज मैं उन तमाम लोगों के लिए एक गुड न्यूज रख रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो दिव्यांग आठवीं तक भी पास हैं उनके लिए एक सुंदर सी वैकेंसी आई है, जो कि हरियाणा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निकल के आई, FCI से। तो ये न्यूज़ है क्या, इसको आप ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर 01/2021 पंजाब, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन। मैंने वॉचमैन की वैकेंसी है जो कि हरियाणा FCI से निकल के आई है, और जिसमें दिव्यांग जनों के लिए काफ़ी सीट दिया गया है, जिससे दिव्यांग जन जो है अपने जीवन में आगे जॉब कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964, एक्ट नंबर 37 ऑफ 1964 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डीलिंग विद द फूड ग्रेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द वॉचमैन फॉर मैनिंग पोस्ट इन द डिपोट्स एंड ऑफिस स्प्रेड ऑल ऑफ द पंजाब स्टेट। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर द इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज ETC फॉर द पोस्ट इन डिकेटेड बिलो। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आपको बताया गया है कि ये जो है पंजाब से हरियाणा से निकल के ये वैकेंसी आई है, और यहाँ पर तमाम दिव्यांगजनों के लिए जो है जो आठवीं पास हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। उन पोस्ट को भी हम लोग को देखना है कि उसमें क्या क्या है, जो कि लगभग टोटल 34 पोस्ट हैं। और मैं बता दूं, वॉचमैन के लिए इसका स्केल ऑफ पे, जो इसका पे स्केल है, वो 23,300 to 64,000 है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी, इसका और सुंदर स्केल भी है, सैलरी भी इसमें अच्छा मिलेगा आप लोगों को। इसमें जो दिव्यांगजनों के लिए दिखाया गया, इसमें आप देख सकते हैं PWDS जो कि 4% RPWD एक्ट कहता है कि हर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या नॉन गवर्नमेंट हो, हर जगह पे जो है दिव्यांगजनों को 4% का जो आरक्षण देना है, उसके तहत यहाँ हरियाणा सरकार जो है 4% का आरक्षण दे रही है दिव्यांगजनों को। जिसमें आपको बता दें, इसमें ABC, D and E करके एक कैटेगरी चार टाइप का बनाया गया है, जिसमें जो बी कैटेगरी जिसमें आप देख रहे हैं, जिसमें HH जो हियरिंग इम्प्रूवमेंट हैं या हियरिंग हैंडीकैप में जो आते हैं, जो कि मतलब कान से नहीं सुन सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए 12 सीट रिजर्व कर दिया गया। उसी प्रकार से जो सी कैटेगरी है उसमें OL जिसे हम वन लेग, या BL यानी कि बोथ लेग, फिर CPK हो गया सेब्रल पालसी, फिर LC हो गया लोकोमोटर, इस प्रकार से जो भी, और इसमें MD कैटेगरी को भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो इन तमाम लोगों के लिए भी 11 सीट आरक्षित किया गया है। उसी प्रकार से 11 सीट D and E, इसमें जो मल्टीपल होंगे उसके लिए भी है, जैसे HH एंड OL, माने आप हियरिंग भी हैं और OL से भी हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए भी 11 सीट का आरक्षण इसमें तय हुआ है। आगे भी उसी प्रकार से BL है, CP है, LCD है, AV है, तो इस तमाम जो दिव्यांगता का टाइप है जिसको आप समझ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ द वैकेंसी में वेरी एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ FCI, मैंने FCI ने इन तमाम जो वैकेंसी के जो नंबर्स हैं वो तय किए हैं, और इसको आपको भरना है, और इससे बहुत कुछ है आप जो है
बहुत सारे लगभग 34 दिव्यांगजन तो जरूर सेलेक्ट होंगे। तो आप ज़रूरत है कि इसको आप भरें और थोड़ा पढ़ाई भी करें, फिर आगे इसकी और भी जो जिक्र होगी क्या क्या इसमें पूछा जाएगा उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। हमारे चैनल पर आप बने रहें, वीडियो जैसा देखते हैं कैसा आपको लगा उसके बारे में ज़रूर कॉमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।